ਜੋਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਜੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ तलवंडी मलक तो जोवनप्रीत ना का एक लड़के के गोली वजन कारण इतने दाखिल हुए सीएच समाणा के जोवनप्रीत सिंह जी कुछ नहीं जी साडा डेयरी फार्मिंग का काम है जी तो मैं एक्चुअली मैं तो फादर साहब समाणे दवाई लैन आए थे रिपोर्टा करवा तो साडा पहला भी उन्होंने आन जान से जी 2002 तो लैके 17-18 साल तो सत्त जने से जी दारू पीती हुई सी उन्हों की मगरों सानू फोन आया भी थोड़े दादा जी दे भी पिस्तौल ला के मझ लै गए खोल के असी इतों भजे गए तो हजे साढ़े भी गेट के बाहर जाके भी साढ़े पिंड जी साडा झगड़ा होया जी उत्थे तो फायरिंग हुई है जी फायरिंग राउंड वजे है जी एक हथियार तो शॉटगन भी सी जी 12 बोर सी जी एक 32 बोर का पिस्तौल असी खोलिया जी उन्हों का हाँ जी खोह हाँ जी खो के जो चढ़ाप हुई है जी साड़ी असी खोलिया जी उन्हों का पिस्तौल नहीं दिती जी दर्द हो रहा जी असी तो एडमिट होने की की है जी हूँ भी नहीं अजे तक पुलिस ने जी सानू घंटा हो गया जी हाँ जी दर्द हो रहा जी कोई एको इंजैक्शन लगा मेरा तो दिमाग भी नहीं कम कर रहा भी सुन होया पाया सारा सिस्टम शेर सिंह पिस्तौल भी खो के लिए पिस्तौल ने आके पापा जी फायरिंग खा के मज खोल के लै गए मज ते कटी ते असीं उन्हां नूं कहा भी तुहानूं तुसीं रोकना सी कहिंदा सर पिस्तौल खा के धक्के नाल खोल के लै गए जो असीं इत्थों गए जाके मज तोरी जा रहे रस्ते असीं 1 किलोमीटर अगे जाके गड्डी रोक ली साडा तलवंडी मलक दे इलाका एरिया सी उत्थे असीं मज खोल अपनी मज वापस जाउण लगे उहने 3 फेर पिस्तौल दे कीते उहदे बेटे जगदीप ने 2 फेर 3 फेर 12 बोर रफल दे कीते ते आ बेटे दे गोली कोई रंजस है तुहाडी पुरानी कोई रंजस नहीं पुरानी जी लिहाज सी सज्जन मित्र सी अपने पुराने ठीक है 2002 तो असीं जाणदे आ सानूं जमीन उहने दवाई जी बस दारू पीती हो जी आके उहने बस पहला पापा जी नूं डराया धमकाया ते उस तो बाद आ बेटे दे आके वेखो 3 फैर 4 मरीक सिंह ने कीता पिस्तौल दे विच जो लोडड सी सारा कुछ तलवंडी मलक तो जोवनप्रीत नां दा एक लड़के दे गोली वजन कारण इत्थे दाखिल होए सी सीएच समाणा दे विच ते इत्थे असी हस्पताल पहुंचे ते गोली लगन वाले दे बयान लिख के जिहड़ी भी अग्गे दी कारवाई है वह अमल च लियांदी जाऊगी सारा मामला की दस्सिया की कारण बणिया गया हले बयान लिखने बाकी ने जी जिहड़ा विक्टम है वह आपका बयान लिखाऊगा उस तो बाद अगे तफ्तीश वो देख रहे हैं जी तफ्तीश का हिस्सा है बाकी जोनप्रीत सिंह जी कुछ नहीं जी साडा डेयरी फार्मिंग का काम है जी तो मैं एक्चुअली मैं तो फादर साहब समाणे दवाई लैन आए थे रिपोर्टा करवा तो साडा पहला भी उन्होंने आन जान से जी 2002 तो लैके 17-18 साल तो तलवंडी मलक तो जोवनप्रीत ना का एक लड़के के गोली वजन कारण इतने दाखिल हुए सीएच समाणा के जोवनप्रीत सिंह जी कुछ नहीं जी साडा डेयरी फार्मिंग का काम है जी तो मैं एक्चुअली मैं तो फादर साहब समाणे दवाई लैन आए थे रिपोर्टा करवा तो साडा पहला भी उन्होंने आन जान से जी 2002 तो लैके 17-18 साल तो सत्त जने से जी दारू पीती हुई सी उन्हों की मगरों सानू फोन आया भी थोड़े दादा जी दे भी पिस्तौल ला के मझ लै गए खोल के असी इतों भजे गए तो हजे साढ़े भी गेट के बाहर जाके भी साढ़े पिंड जी साडा झगड़ा होया जी उत्थे तो फायरिंग हुई है जी फायरिंग राउंड वजे है जी एक हथियार तो शॉटगन भी सी जी 12 बोर सी जी एक 32 बोर का पिस्तौल असी खोलिया जी उन्हों का हाँ जी हाँ जी खो के जो चढ़ाप हुई है जी साड़ी असी खोलिया जी उन्हों का पिस्तौल नहीं दिती जी दर्द हो रहा जी अभी तो एडमिट होने की की है जी हूँ भी नहीं अजे तक पुलिस ने जी सानू घंटा हो गया जी
हाँ जी दर्द हो रहा जी, कोई एको इंजैक्शन लग गया मेरा तो दिमाग भी नहीं काम कर रहा, भी सुन हो पाया सारा सिस्टम। शेर सिंह पिस्तौल भी खो के लिए पिस्तौल साडे कोल ते उन्होंने आके पापा जी फायरिंग खा के मझ खोल के लै गए मझ ते कट्टी ते असीं उन्होंने कहा भी तुहानूं तुसीं रोकना सी कहिंदा सानूं पिस्तौल खा के धक्के नाल खोल के लै गए। जो असं इतों गए जाके मझ तोरी जा रहे रस्ते असं एक किलोमीटर अगे जाके गड्डी रोक ली साडा तलवंडी मलक दे इलाका एरिया से उत्थे असीं मझ खोल अपनी मझ वापस लियाउण लगे उन्हें तीन फायर पिस्तौल दे कीते उहदे बेटे जगदीप ने दो फायर तीन फायर बारह बोर रफल दे कीते ते आ बेटे दे कोल कोई रंजस नहीं पुरानी जी लिहाज सी सज्जन मित्र सी अपने पुराने ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਜੀ ਬਸ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਿੰਨ ਫਿਰ ਚਾਰ ਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਡਡ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਲਵੰਡੀ ਮਲਕ ਤੋਂ ਜੋਵਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀ ਐੱਚ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਹਲੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ।